दुनिया में मछलियों की हजारों प्रजातियां हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई मछलियां बेहद ही छोटी होती हैं, जिन्हें लोग पालते भी हैं, जबकि कुछ मछलियां विशालकाय होती हैं। और न विशालकाय बल्कि इतनी खतरनाक होती हैं कि इंसान को निगल भी सकती हैं। ऐसी खतरनाक मछलियों में शार्क का नाम सबसे पहले आता है। इनके विशालकाय शरीर, खतरनाक दांत, बड़े बड़े जबड़ों को देखकर लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो जरा सोचिए कि अगर ये आपके सामने आ जाए तो क्या होगा। हाल ही में ब्राजील के रियो डी जनारियो में समुद्र तट पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। दरअसल हुआ यूं कि इटावना विला के बीच पर ढेर सारे लोग जमा थे। कोई समुद्र तट पर लेटा हुआ था तो कोई सनबात का मजा ले रहा था, वहीं कुछ लोग समुद्र की लहरों से खेल रहे थे। इसी बीच वहां एक विशालकाय टाइगर शार्क आ गई, जिसके बाद तो लोगों की हालत खराब हो गई। जो जिस हालत में था उसी हालत में समुद्र के किनारे से भाग निकला। हालांकि कुछ देर बाद लोगों को लगा कि शार्क कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। इस बीच कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और शार्क को देखने के लिए करीब चले गए। कुछ ने तो तस्वीरें भी खींची। हालांकि गनीमत रही कि शार्क ने उन पर हमला नहीं किया, वरना लेने के देने पड़ जाते। माना जा रहा है कि शायद शार्क अपना रास्ता भटक गई थी और गलती से समुद्र के तट पर आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहां जाया जाए, तो वह काफी देर तक वहीं पर इधर से उधर मंडराती रही और फिर बाद में अपने रास्ते चली गई। वैसे तो ज्यादातर शार्क इंसानों से डरती हैं और उन्हें देखकर दूर चली जाती हैं, लेकिन टाइगर शार्क और सफेद शार्क कभी कभी इंसानों पर हमला कर देती हैं, इसलिए इनसे संभल कर रहना में भलाई है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।